विद्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मॉकटेल। मैंगो मॉकटेल बनाने के लिए लिया है हमने 1/2 kg कच्चा आम। इसे पहले हमने अच्छी तरह धो लिया था और धोने के बाद आप इसे छील लीजिए और कुकर में 1 गिलास पानी डालकर आम को 5 से 6 सीटी आने तक पका लीजिए। इसे किस तरह पकाना है मेरे एक वीडियो आम पन्ना में भी आप देख सकते हैं। देखिए आम हमारा अच्छी तरह उबल कर ठंडा हो चुका है। अब हम आपको दिखलाते हैं क्या करना है। ये आपको एक गुठली लेनी है और इस तरह हाथ से इसे रब करते हुए इसका पूरा रस पानी में निकाल देना है। इसी तरह से हम सभी आम का एक साथ पल्प निकाल देंगे। आम के पल्प में हम डालेंगे चिल्ड पानी। ये हमने 1/2 लीटर पानी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप हम इसमें डालेंगे शुगर। ये हमने चीनी को मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून हम डालेंगे भुनी पिसी जीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक, 1 टीस्पून डालेंगे रेगुलर नमक व्हाइट वाला और इसे विस्कर से हम अच्छी तरह चला देंगे। देखिए हमने मॉकटेल को टेस्ट किया तो उसमें चीनी कम लग रही थी तो हम इसमें 1/3 कप चीनी और डालेंगे पिसी हुई, क्योंकि आम काफ़ी खट्टा था। यदि आम आपका खट्टा नहीं होगा तो 1/3 कप में ही आपकी चीनी हो जाएगी। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और नमक डालिएगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंगो मॉकटेल को हम इलेक्ट्रिक मिक्सर से अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। देखिए इस तरह मॉकटेल को सर्व करने के पहले हम 1 ग्लास लेंगे, उसमें 7 से 8 पत्ती पुदीने के डालेंगे, 5 से 6 पीस हमने आइस क्यूब डाला है। अब इसमें हम डालेंगे मैंगो मॉकटेल जो बनाया था। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे नींबू का रस, 1/2 टीस्पून बनकर तैयार है। आप इस गर्मी में बनाइए और इसका आनंद लीजिए।